जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम फिर वही बात कर रहे थे सूरज और बुध की, बुध आदित्य राजयोग की। ये किन कुंडलियों में एप्लीकेबल होता है, किन कुंडलियों में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि सूरज बुध बहुत कम कुंडलियों में एप्लीकेबल होता है जहाँ ये दोनों ही कारक ग्रह हों। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बुध का उदय होना बहुत ज़रूरी है। अगर सूरज ने डिग्री वाइज क्लोज जाकर के बुध को अस्त कर दिया तो बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल ही नहीं होता है। मैं ऐसे ही सारे योगों की विस्तृत जानकारी आपको अलग अलग लग्नों में दूंगा ताकि आप इसके सही दिशा पकड़ पाएँ और सही ज्ञान आपको मिल पाए, और कौन से लग्न में कौन सा योग बनता है इसकी सही नॉलेज आपको हो पाए। तो प्रिय दर्शकों, आइए बोर्ड पर चलते हैं। आज बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली की। कुंभ लग्न की कुंडली में भी सूरज और बुध का बुध आदित्य राजयोग नहीं बनता है, क्योंकि सूरज इस लग्न कुंडली में सप्तम भाव का मालिक है जो कि लग्नेश शनिदेव का ही अति शत्रु है, और अति मारक ग्रह कुंडली में होने की वजह से सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग इस लग्न कुंडली में एप्लीकेबल ही नहीं होता है। लेकिन बुध इस लग्न कुंडली में एक कारक ग्रह गिना जाता है क्योंकि वह पंचम और अष्टम भाव का मालिक है। पंचम मूल त्रिकोण में उसकी साधारण राशि होने की वजह से इस लग्न कुंडली में बुध को कार्कित्व प्राप्त है और सूरज देवता को अति मारक ग्रह माना जाता है। तो सूरज मारक होने की वजह से, बुध कारक होने की वजह से इस लग्न कुंडली में भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर ये दोनों लग्न में ही पड़े हों तो सूरज हेल्थ में प्रॉब्लम्स देगा, अग्रेसिव पर्सनैलिटी ज़रूर बना देगा, यहाँ से अपने भाव को देख करके पत्नी के लिए अच्छा करेगा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा करेगा, डेली वेजेस के नए नए रास्ते ज़रूर खोल देगा क्योंकि वह अपने भाव पर दृष्टि डाल करके बैठा है। बुध देवता अपनी दशा अंतर दशा में उसको यहाँ दिशा बल मिला है, मेमोरी शार्प होगी, माइंड स्टेबल होगा, औलाद सुख का योग बनेगा और यहाँ पर विल पावर जातक की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और वो अपनी बुद्धि से ही अपने हर काम कहीं ना कहीं से निकाल जरूर लेगा। यहाँ से सप्तम भाव पर बुध ने दृष्टि डाली तो बुध भी सप्तम भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पार्टनरशिप में एडवांटेज देगा, दाम्पत्य सुख में एडवांटेज देगा और डेली वेजेस में भी रास्ता कोई ना कोई नया ज़रूर खोलता ही मिलेगा। दर्शकों, सूरज बुध अगर दूसरे भाव में पड़े हुए तो ये सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ बुध देव नीच के हो गए हैं और सूरज पहले ही इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह हैं। तो यहाँ धन कुटुंब वाणी संबंधी दोनों ही अपनी दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम्स ही देंगे और यहाँ से जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी, अष्टम भाव के रिगार्डिंग भी सारे नेगेटिव रिजल्ट दे करके बिना कारण की जातक की ऑब्स्टेकल्स को खड़ा ही रखेंगे और जातक के जीवन यापन की मुश्किलें और बढ़ोतरी करते ही रहेंगे। दर्शकों, सूरज बुध अगर तीसरे भाव में पड़े हुए तो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। सूरज यहाँ उच्च के जरूर हो जाएंगे लेकिन रिजल्ट नेगेटिव देख के रखेंगे। पत्नी को उठाकर, पार्टनरशिप को उठाकर उच्चका कर दिया, डेली वेजेस को उठाकर उच्चका कर दिया, लेकिन सूरज देवता अपना मार्केटव कभी नहीं छोड़ेंगे, फजूल की भागदौड़ करवाते रहेंगे, छोटे भाई का योग बनाएंगे। फजूल की मेहनत के बाद भी जातक को रिजल्ट कभी पूर्णतः मिलने वाला नहीं है सूरज की दशांतर दशा में। लेकिन बुध की दशांतर दशा में छोटे भाई बहन का योग जरूर बनेगा, छोटी बहन का योग बुध की दशांतर दशा में बनेगा, फजूल की मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलने वाला, छोटी मोटी यात्राएं करवा करके भी बिना कारण के ऑब्स्टेकल्स खड़े ही रखेंगे क्योंकि ये भाव गलत है। प्रिय दर्शकों, यहाँ से सूरज बुध ने जो दृष्टि डाली नवम भाव पर तो पिता से मनमुटाव बना रहेगा, विदेश यात्रा कहीं ना कहीं होती रहेगी और यहाँ पर धर्म को जल्दी जातक नहीं मानने वाला होगा, वो थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का बना देंगे। सूरज बुध अगर चौथे भाव में पड़े हुए तो माता से सदा मनमुटाव रहेगा सूरज की दशांतर दशा में, लेकिन बुध की दशांतर दशा में एडवांटेज मिलेंगे, सूरज की दशांतर दशा में टोटली उस भाव के रिगार्डिंग डिसएडवांटेज मिलेंगे। तो सूरज की दशांतर दशा में छाती में विकार पैदा हो सकता है,
माता से मनमुटाव बन सकता है। माता गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर बनाने वाला हुआ तो गाड़ी भूमि वाहन मकान बनाने में बहुत डिले होगा, और यहाँ से सूरज की दशा अंतर दशा में जो दशम भाव पर दृष्टि बढ़ी उसके रिगार्डिंग भी टोटली रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे, कामकाज में बिना कारण के ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही मिलेंगी। लेकिन बुध की दशा अंतर दशा में चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग भी एडवांटेज मिलेंगे, दशम भाव के रिगार्डिंग भी एडवांटेज मिलेंगे, और पंचम भाव के रिगार्डिंग भी पूर्णतः एडवांटेज मिल करके मेमोरी शार्प होगी। जातक की मेमोरी शार्प होने के साथ साथ वो पुत्र का योग या औलाद संतान का, क्योंकि फीमेल प्लैनेट है, बुध देवता फीमेल प्लैनेट होने की वजह से पुत्री का योग बना देंगे, अनसर्टेन गेन जरूर करवा देंगे, लवर मास में कामयाबी जरूर देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली बुध देवता ने 11वें भाव पर, तो 11वें भाव के रिगार्डिंग भी हमें एडवांटेज जरूर देंगे। अगर सूरज देवता और बुध देवता यहाँ पड़े हो तो सूरज देवता की दशा अंतर दशा में पुत्र का योग बनेगा, लेकिन याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, डिग्री वाइज बलाबल जरूर देखिएगा। अगर सूरज ज़्यादा बलि हुआ तो पुत्र का योग बनेगा, अगर बुध ज़्यादा बलि हुआ तो पुत्री का योग जरूर बनेगा। डिग्री वाइज बलाबल इस चीज़ का निर्धारण करेगा कि कौन सा ग्रह ज़्यादा बलि है आपका। दर्शकों, अगर सूरज बुध छठे भाव में पड़े हुए, यहाँ कभी बुधादित्य राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम्स आ गई। बुध अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गया और उदय हुआ और शनिदेव बलि होने की वजह से बुध अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा फल दे सकता है, लेकिन सूरज की दशा अंतर दशा में पत्नी से प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स, और डेली वेजेस के भी नए नए दिक्कत परेशानियाँ खड़ी करके नए नए ऑब्स्टेकल्स खड़े करते मिलेंगे। यहाँ से बुध देव ने जो 12वें भाव पर दृष्टि डाली, अगर विपरीत राज्यों की स्थिति में बुध ना हुए तो वो भी प्रॉब्लम देंगे। अगर सूरज तो वैसे ही बुध आदित्य राजयोग में नहीं आते हैं, तो सूरज देवता भी यहाँ से 12वें भाव पर दृष्टि डालकर अपनी दशा अंतर दशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देते ही रहेंगे, फजूल के व्यय बढ़ा देंगे, विदेश यात्रा में ऑब्स्टेकल्स होती रहेंगी, और यहाँ अस्पताल के खर्चे भी सूरज की दशा अंतर दशा में होते रहेंगे। और बुध अगर विपरीत राज्यों की स्थिति में आया तो बचने का रास्ता देगा, अगर विपरीत राज्यों की स्थिति में ना आया तो बुध भी मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को अवश्य देगा। दर्शकों, सूरज बुध अगर सप्तम भाव में पड़े हुए तो भी ये बुध आदित्य राजयोग का फल नहीं देंगे। सूरज अपने घर के लिए अच्छा जरूर करेगा, पत्नी के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, पार्टनरशिप, डेली वेजेस के लिए अच्छा जरूर करेगा, लेकिन बुध भी यहाँ अच्छा करेगा, लेकिन बुध मार्केतव में होने की वजह से, पूर्णता लग्नेश का सूर्य शत्रु होने की वजह से बुध आदित्य राजयोग का प्रॉपर फल कभी नहीं मिलेगा। जो चीज़ भी आपके लगन की यानी आपकी खुद की जो बॉडी है उसकी शत्रु हो जाए तो पूर्णता रिजल्ट कभी नहीं देती है। प्रिय दर्शकों, अगर सूरज बुध अष्टम भाव में पड़े हुए, यहाँ कभी भी वो बुध आदित्य राजयोग फलित नहीं करेंगे, क्योंकि दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम मिलेंगी सूरज की दशांतर दशा में। यहाँ से दृष्टि डाली सूरज ने धन कुटुंब वाणी संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर बुध विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए यानी शनिदेव कहीं बलि हुए तो बुध विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर पूर्णतः इस भाव के रिगार्डिंग एडवांटेज देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पे और धन कुटुंब वाणी से संबंधी भी टोटली एडवांटेज देंगे। दर्शकों, अगर सूरज बुध नवम भाव में पड़े हुए, कभी भी ये बुध आदित्य राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि सूरज यहाँ नीच के होते हैं, एक तो मारक ग्रह, ऊपर से नीच का, वो डबल डिसएडवांटेज देता है, अपनी दशा अंतर दशा में सदैव दिक्कत परेशानियाँ बनाई रखता है, दाम्पत्य सुख में कला क्लेश मचता है, पार्टनरशिप में कला क्लेश मचता है, डेली वेजेस के नए नए ऑब्स्टेकल्स खड़ी करके जातक की मुश्किलों को और बढ़ाता ही मिलेगा। लेकिन दर्शकों, जब बुध देवता की दशांतर दशा चलेगी, अगर बुध देव उदय हुआ तो अपनी दशांतर दशा में पिता से लाभ दिलवाएगा, अनसर्टेन गेन जरूर उसको होंगे, धर्म को जातक मानने वाला होगा, यहाँ पिता की सपोर्ट उसको सदा मिलती रहेगी, विदेशों से भी जातक को लाभ मिलेगा, जातक की विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, जातक अपनी संतान के जन्म के बाद तरक्की जरूर कर लेगा बुध की दशांतर दशा में। दर्शकों, अगर सूरज बुध 11वें भाव में पड़े हुए यानी सॉरी माफ कीजिएगा दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े हुए सूरज बुध भी कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। सूरज देवता सदैव नेगेटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन बुध देवता सदैव एडवांटेज का फल देंगे। सूरज देवता पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देंगे, डेली वेजेस में प्रॉब्लम देंगे, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम देंगे, और प्रोफेशन जल्दी सेटल नहीं होने देंगे।
यहां से सूरज देवता जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो माता से सदा मनमुटाव बना रहेगा। गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर लेने वाला हुआ तो सूरज की दशा अंतर दशा में जातक को उसके लिए खपना जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर बुध उदय हुआ और बुध की दशा अंतर दशा चल पड़ी तो कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा। यहां से दृष्टि डाली माता से बहुत अटैचमेंट होगी, गाड़ी भूमि वाहन मकान सारी चीज़ों के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा और जातक हर सुख सुविधा से संपन्न होकर के हर सुख सुविधा भोगेगा जरूर। दर्शकों, अगर सूरज बुध 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े हुए सूरज बुध का भी बुध आदित्य राजयोग नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर सूरज देवता का आना बड़े भाई का योग जरूर बनाता है, लेकिन बड़े भाई बहनों से कलह क्लेश भी मचवाता है, लाभ में भी कमी रखता है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी अवश्य बनाता ही रहता है। यहाँ से सूरज देवता ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो माइंड अग्रेसिव कर देता है, सिर्फ एक पुत्र प्राप्ति का थोड़ा सा योग जरूर बनाता है लेकिन लवर मास में फेलियर करता है, अनसर्टेन लॉस जरूर देता है और माइंड अग्रेसिव करके जातक की पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियां जरूर खड़ी करता है, जातक की मेमोरी भी सूरज देवता पुअर कर देता है। लेकिन अगर बुध उदय हुए, बुध देवता ने यहाँ से दृष्टि डाली अपने ही घर पर, यानी अपनी साधारण राशि पर जो बुध देवता ने दृष्टि डाली तो बुध देवता पंचम भाव के रिगार्डिंग पूर्णतः अच्छा फल देंगे, मेमोरी शार्प कर देंगे जातक की, बुध की दशा अंतर दशा में लवर मास भी कामयाब होगा, बुध की दशा अंतर दशा में अनसर्टेन गेन होकर जातक की मेंटली विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और जातक की पर्सनैलिटी एक सूझवान की पर्सनैलिटी की तरह सामने निकल कर जरूर आएगी। दर्शकों, अगर सूरज बुध 12वें भाव में पड़े हुए, अगर 12वें भाव में पड़े हुए सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग कभी नहीं बनेगा, सूरज देवता यहाँ सदैव ऑब्स्टेकल देगा, दाम्पत्य सुख में भी टेंशंस, मेंटल पीस का भी डिस्टर्ब होना, विवाह में अति विलंब होना और यहाँ पर विदेश यात्रा करके दिक्कत परेशानी होना, विवाह का विदेश में योग जरूर बनाता है कि विवाह का मालिक विदेश में चला गया तो विवाह विदेश में होने का योग बना करके वहाँ जीवन यापन करवा देता है। यहां से सूरज देवता ने जो छठे भाव पर दृष्टि डाली टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर शनिदेव बलि हुए और बुध विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो यहां पड़े हुए बुध देवता अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा फल देंगे, लेकिन मैं प्रिय दर्शकों बार बार आपको एक कंडीशन याद दिलवाता हूं कि बुध देवता का उदय होना अति आवश्यक है। अगर सूरज देवता के साथ सट करके बुध अस्त हो गए डिग्री वाइज तो कभी अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा फल नहीं देंगे, वो टोटली नेगेटिव ही गिने जाएंगे और ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पड़े हुए बुध देवता भी फजूल खर्चे बढ़ा करके मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देंगे और जातक का जीवन यापन और मुश्किलों से भर देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा उसके रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक की मुश्किलों को सदैव बढ़ाते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस कुंभ लगन की कुंडली में सूरज देवता का रतन माणिक्य कभी धारण नहीं किया जाता, क्योंकि वो लग्नेश सूरज का ही अति शत्रु है। किसी ने ये कह के पहना दिया कि आपकी मैरिज नहीं हो रही तो आप माणिक पहन लो, तो कभी माणिक मत पहन लिएगा क्योंकि वो आपके शरीर को ही खत्म करने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्व मैरी क्रिसमस है। मैं अपने सभी भाई बंधुओं को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये सब के लिए मंगल कामना करता हूं कि आने वाला साल आपके सारे दुखों रोगों क्लेशों को काट करके आपके सुखमय जीवन जीने के लिए आपको मदद करे। और मैं अपनी तरफ से, अपने जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से, अपने ऋषि पराशर जोशी रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाई देता हुआ ये मंगल कामना करता हूं कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।